अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का डिज़ाइन हमने हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाया है। अगर आपके पास भी कोई डिज़ाइन है और आप चाहते हैं उसका हम ट्यूटोरियल आपको बना के दें, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मेंशनड है, उस पर आप क्लिक करके अपने डिज़ाइन हमें सेंड कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन स्ट्रिप विद जाली डिज़ाइन है। ये हमने छोटे बच्चों का बनाया था, आप चाहें तो इसे किसी बड़े के डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे आज के डिज़ाइन के सैम्पल का लुक बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम आते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। आज का डिज़ाइन हमने आपको 25 फंदों में डाल के दिखाया है और 8 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन ओवर हो जाए। देखिए, 10 फंदों में हमारी जाली डिज़ाइन है और 11 फंदों में हमने आपको स्ट्रिप डाल के दिखाई है और दो दो फंदे हमने साइड में छोड़ दिए हैं। अब हम आते हैं पहली सीधी सिलाई की तरफ। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रिप डालेंगे। स्ट्रिप के लिए हमें प्लेन पिंक फंदे बुनते जाने हैं। हमें फंदों को प्लेन बुनते जाना है। जब जाली आएगी, जैसे कि अब जाली आ गई है, अब हमें फंदों को 2 का 1 करना होगा। इस तरह से फंदों को 2 का 1 करके हम जाली डालें। इस तरह से जाली डालने के बाद बाकी के सारे फंदे हम प्लेन बुनेंगे। इस तरह से पहली सीधी सिलाई कंप्लीट करके हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई हमें प्लेन उल्टी बुननी है। इसमें हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना। देखिए, जो जाली का फंदा है इसे भी हमें उल्टा बुनते जाना है। एक बात का ध्यान रखें, इस डिज़ाइन में हमें 4 लाइन पिंक कलर की बनानी है, फिर 4 लाइन वाइट कलर की बनानी है, पर ये हमें स्ट्रिप डिज़ाइन में करना है। जो जाली डिज़ाइन है वो हमारा पिंक ऊन से ही बनेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसा मैं हर वीडियो में करती हूँ, अगर आपने अभी तक के हमारे कोई भी डिज़ाइंस मिस कर दिए हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन पे जाकर के आप सारे डिज़ाइंस को देख सकते हो। इस तरह से दूसरी उल्टी सिलाई कंप्लीट करके हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई भी हमें पिंक कलर से प्लेन सीधी बुननी है जब तक जाली डिज़ाइन नहीं आ जाती। और प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप उसे लाइक करोगे तो हमारे चैनल के सारे अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। हम वहाँ पे पहले ही पोस्ट कर देते हैं हम कौन सा डिज़ाइन फ्यूचर में यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से डिज़ाइन फ्यूचर में हम अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। अब प्लीज़ एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये जो जाली का फंदा है, इसके पहले के जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। उसके बाद ये जाली आ गई है, इसके लिए हम ऊन आगे लाए और ये जाली डाली और बाकी के सारे फंदे हम प्लेन बुनेंगे। इस तरह से तीसरी सीधी सिलाई कंप्लीट करके हम आते हैं चौथी उल्टी सिलाई पर। अब चौथी सिलाई हमें दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बुननी है, पर डिफरेंस ये होगा, यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा स्ट्रिप का। पिंक के जगह हम वाइट कलर को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, जाली डिज़ाइन तो पिंक कलर से बुनी जाएगी, तो अभी हम जाली डिज़ाइन उल्टी बुन रहे हैं, ये हम पिंक कलर से ही बुन रहे हैं। अब जब हम स्ट्रिप डिज़ाइन पे आएंगे, तब हमें यहाँ पे वाइट कलर की ऊन को लेना होगा। वाइट कलर की ऊन को इस तरह से क्रॉस में लेके हम वाइट कलर से स्ट्रिप बुनेंगे। इस तरह से सारे फंदे वाइट कलर के बुनते जाएंगे। अब हम आते हैं पाँचवीं सीधी सिलाई पर। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे स्ट्रिप डिज़ाइन के लिए। अगर आपको अभी भी जाली डिज़ाइन डालने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने इसका वीडियो पहले भी बनाया है। आप ऊपर राइट हैंड साइड पे क्लिक करके इस वीडियो को खोल सकते हो और इस डिज़ाइन को वापस अच्छे से सीख सकते हो। देखिए, यहाँ पे स्ट्रिप डिज़ाइन ओवर होता है। अब हमें पिंक ऊन को यूज़ करना होगा जाली डालने के लिए। इसके लिए हम इसको इस तरह से क्रॉस करते हुए यूज़ करेंगे। देखिए, फिर ये जाली आ गई है। इसके पहले के 2 फंदों का हम 1 फंदा करेंगे। फिर देखिए, जाली आ गई है, इसको बनाया। इसके बाद वापस 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे और बाकी फंदे हम प्लेन बनाएंगे। इस तरह से हम 5वीं सीधी सिलाई कंप्लीट करते हैं। 6th सिलाई आपको 4th सिलाई के जैसे उल्टी बनानी होगी। अब हम आते हैं 7th सीधी सिलाई की तरफ।
अभी हम व्हाइट ऊन से स्ट्रिप डिजाइन डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिप डिजाइन ओवर होता है। अब हम पिंक ऊन का इस तरह से क्रॉस बनाते हुए जाली डिजाइन बनाएंगे। हमारा ये डिजाइन 5 जालियों का है। देखिए 1, 2, 3, 4 चार जालियां बन चुकी है। अब हम पांचवी जाली बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हम 2 का 1 करेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे और जाली डालेंगे। देखिए फिर ये हमारी जाली है, तो हम ऊन आगे ला के फिर जाली डालेंगे। देखिए अब ऊन आगे लाए और 2 का 1 किया और बाकी फंदे हम प्लेन बुनेंगे। इस तरह से हमारी 7वीं सीधी सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं 8वीं उल्टी सिलाई की तरफ। इसमें जाली के फंदे हमें पिंक कलर से बुनने हैं। अब जब जाली के फंदे बुनने के बाद हमारा स्ट्रिप डिजाइन आएगा तो हमें उसे भी पिंक कलर से बुनना होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा। यानी कि 8वीं सिलाई आपको एज इट इज दूसरी सिलाई के जैसे बनानी है। अब आप देख सकते हो 8वीं सिलाई बुनने के बाद इस डिजाइन का लुक इस तरह से आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल सा डिजाइन था। आई होप आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस डिजाइन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।